ऐसा कुछ पहनती है ना तो सिम्बा को पता नहीं क्या हो जाता है। वेलकम टू सिंपली लक्ष्मी लाइफ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज का ब्लॉग है जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए, और लास्ट ईयर या हर साल मैं जहाँ से शॉपिंग करती हूँ ना, वो वाला शॉप ना इस साल बंद हो गया है। तो ये वाला एक नया शॉप है, यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे कान्हा जी के झूले वगैरह सारा कुछ है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये वाला नया शॉप कैसा है। গোপাল, হ্যাঁ গোপাল কাজু কাকে, হ্যাঁ ওটা রাধাকে, ঠিক আছে। और ये वाला जो माला है ना, ये लास्ट ईयर मैंने लिया था, बहुत ही खूबसूरत है। तो इस साल मैं कुछ और ट्राई करूँगी, जो फ्लावर वाले माला होते हैं ना वो सब। और यहाँ पे पूजा का सारा सामान है, छोटे छोटे सामान पैक किया हुआ है, तो ज़रूरत का सारा सामान ही इधर मिल रहा है। और ना लकीली मुझे ये छोटा सा गौ माता मिल गया है, ये मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी। बट कुछ कुछ ना साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा था, किसी का प्राइस बहुत ज़्यादा था, ये ना 150 रुपये में मुझे मिल रहा था, तो मैंने ये एक ले लिया है। और एकदम साइज़ भी परफेक्ट है, मतलब मैं मंदिर पे भी रख सकती हूँ। यहाँ पे पूजा की थाली वगैरह थी, तो ये सब तो मुझे अभी नहीं लेना है। और यहाँ पे ना गौ माता की और एक मूर्ति थी, बट ये वाला जो गौ माता है ना, ये काफ़ी बड़ा है, तो मुझे इतना बड़ा तो नहीं लेना है। मंदिर में रखूँगी तो छोटा सा ही अच्छा लगेगा, लेकिन ये वाला भी बहुत प्यारा था। ये सब चीज़ें ना देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अतन वो अंदर बिलिंग करवा रहा था, तो मैं बाहर का सामान ना देख रही थी। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं स्वीट लेने के लिए, काड़ीगुड़ी में आए थे। यहाँ पे अच्छा वाला स्वीट मिलता है, तो यहाँ से हमने पूजा के लिए स्वीट लिया है। और साथ ही साथ ना हम लोगों को मिल गया मालपुआ। ये मोर पंख लिया है 5, और साथ में ना ये कुछ कान्हा जी के लिए, और हाँ ये मुझे लेना था, इसको थोड़ा ओपन करते। ये वाला ना काफी दिनों से मुझे लेना था, ये कान्हा जी का मुकुट, ये ओपन हो गया, इसको ऐसे लगा के पहनाना है। साथ में ये वाला मोर पंख, ये एक मुकुट। मैं मुकुट हर बार, मतलब कान्हा जी के लिए हर बार नया मुकुट लेके आती हूँ, और साथ में माला। तो माला इस बार मेरे पास ऑलरेडी है, मैं नेटिव से लेके आई थी, पिंक कलर का एक माला है मेरे पास, तो वो मैं कान्हा जी को पहनाऊंगी। और साथ ही साथ ना हमने फ्लावर का भी शॉपिंग कर लिया है। इस बार माला मैं घर पे ही बनाने वाली हूँ, तो ज़्यादा करके मैंने फ्लावर ले लिया है। सो बस ये रहा हमारा जन्माष्टमी का शॉपिंग। एक दिन पहले हमने जन्माष्टमी की शॉपिंग कंप्लीट कर ली है। और थोड़ा सा कृति के रूम पर चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि बेड जो है ना वो विंडो के साइड पर है, और मैं ना जब कोई पूजा रहता है ना, तो विंडो का साइड जो है खाली रखती हूँ, ताकि उस जगह की मैं प्रॉपर यूज़ कर पाऊँ, और साथ ही साथ बैल्कनी जाने में भी मुझे सुविधा हो, नहीं तो घूम के जाना पड़ता है। तो इसीलिए बेड को ना फिर से मैं कृति की जो स्टडी टेबल है उसके पास रख रही हूँ। इससे ना मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, और पूजा के टाइम ना सामान रखना और जो छोटे मोटे काम रहते हैं वहाँ बैठ के करना, ये सब करने में ना आसानी होती है। तो ये जगह तो मेरी कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। अभी मैं बना रही हूँ नारियल की लड्डू। हर साल मैं घर में नारियल की लड्डू बनाती हूँ कान्हा जी के लिए, और मालपुआ भी बनाती हूँ। बट इस साल ना मुझे मालपुआ मिल गया है ऑलरेडी, तो इस बार तो नहीं बनाऊँगी। और वहाँ पे ना मालपुआ बहुत अच्छा भी बनता है, और गर्मा गर्म बन भी रहा था, तो मैंने ले लिया है कान्हा जी के लिए। और अभी ना रात के 10 बज चुके हैं, तो कृति सोने चली गई है, कल उसकी छुट्टी है, बट अतनु का ऑफिस है, तो इसीलिए ना मैं सोच रही हूँ कि रात को नारियल के लड्डू बना के रखूँ। और मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी पूजा भी कर लूँगी सुबह, तो मेरी जो हेल्पिंग हैंड है उसको भी मैंने बोला है थोड़ा जल्दी आ जाने के लिए। ये जो कोकोनट ग्राइंडर है ना, ये काफ़ी अच्छा है, मतलब किचन स्लैब के ऊपर आप इसको स्टिक कर दो, उसके बाद ना आप आराम से कोकोनट को ग्रेट कर सकते हो, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। पहले तो बैठ के, मतलब नीचे बैठ के करना बहुत मुश्किल होता था, और ये
जब हम लोगों को अच्छा लगा ना तो हमने अपने घर के लिए भी भेज दिया है ताकि उन लोगों को भी परेशानी ना हो। और सच में इससे ना बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। और थोड़ा बहुत जो नीचे गिर गया है ना उसको मैं मतलब लड्डू बनाने के लिए नहीं लूँगी, उसको उठा के एक साइड में रख दूँगी। कल जब मैं छोले की दाल बनाऊँगी ना उसमें मैं ये डाल दूँगी, क्योंकि ये पूजा का है तो मैं नीचे का नहीं लूँगी। वैसे तो नीचे का जो है स्लैब मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था, भगवान की भूख में जाने वाली है तो इसीलिए नीचे का मैं उसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। नहीं तो आप घर में लड्डू बना रहे हो तो आप इसको ऐड कर भी सकते हो। तो चलिए लड्डू तो मेरा बन गया है, अभी सोने चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे को। और कोई जगह रहे या ना रहे सिम्बा तो मेरे साथ ही सोने जाएगा। मतलब मैं जब तक ना मतलब कोई भी घर पे अगर जगह रहना सिम्बा को नहीं सोना है। अभी हम लोग जाएंगे तो वो भी सो जाएगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभेच्छा। भगवान श्री कृष्णा आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरा करे और आप सबको बहुत बहुत हेल्दी एक लाइफ दे। तो चलिए आज की पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नहा के रेडी होके मैं आ गई हूँ पूजा का सामान निकालने के लिए। ये जो बड़ा वाला उडली है ना इसमें मैं हर साल कान्हा जी को नहलाती हूँ। तो सबसे पहले मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ कान्हा जी को नहलाने से। तो उससे पहले उसकी जितने भी श्रृंगार है उसको निकाल रही हूँ। ये लास्ट ईयर जो मुकुट है ये मैंने लगाया था, ये वाला मुकुट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। जो चीज़ मैं हर साल बोलती हूँ इस साल भी बोलूँगी कि मुझे कुछ भी नियम नहीं पता है, हर साल कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। और जब मैंने फर्स्ट टाइम राधा कृष्ण जी की ये मूर्ति देखी थी, देख के मुझे पसंद आ गया था और घर में लेके आई। और तब से मैं उनकी सेवा करती हूँ, जितना मतलब मुझे पता है जितना मुझे आता है उतना मैं करती हूँ। लेकिन जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ और बहुत बहुत अच्छा लगता है, मन को एक अलग ही शांति सुकून मिलती है ये करके। मेरे साथ साथ कृति भी सब चीज़ें सीख रही है और मैं कृति को हमेशा सिखाती हूँ कि ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, भक्ति में अलग ही एक शक्ति होती है। क्योंकि ना हर टाइम में सुनी गई बात की समझना उसी टाइम नहीं होता है, एक एज में जाकर होती है। तो उस टाइम पे आपको वो सब सिखाने के लिए कोई आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन हाँ कही हुई बातें आपको याद रहेगी। तो इसीलिए मैं कृति को हर वो चीज़ सिखाती हूँ जो मैं बचपन से सीखती आई हूँ। और इसीलिए ना कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया है, हर टाइम मुझे लगा है कि हाँ मेरे साथ कोई है, कोई मुझे हमेशा सपोर्ट कर रहा है, हमेशा मेरा साथ दे रहा है। वो जो कर रहा है ना उसके पीछे कोई ना कोई अच्छा कारण ही होता है। क्योंकि हम लोग हम इंसान ना हमेशा सोचते हैं कि हमारी फ़ायदा इसमें क्या हो रहा है, हमको इससे क्या मिल रहा है, बट दूर का सोचने वाला तो एक ही है और वो है हमारा ये भगवान। तो बस यही बोलना था, अपनी लाइफ की थोड़ी सी एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और ऊपर जो ओंकार रखा हुआ था ना उसको मैं मंदिर के अंदर ले रही हूँ। ऊपर ना पूजा करने में थोड़ी सी तकलीफ होती थी, मतलब हर दिन चंदन वगैरह लगाना ये सब में ना थोड़ी सी मुश्किल होती थी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मंदिर में इनको रखूँगी। और कान्हा जी का स्नान भी हो गया है। Oh,
और आज मंडे है तो शिव जी का भी पूजा था, तो दोनों पूजा एक साथ में ही होगा। यहाँ पे हम दोनों माला बना रहे हैं। जैसे कि मैंने शेयर किया था कि माला हमने इस बार नहीं दिया है, माला हम लोग खुद ही बना लेंगे। और यहाँ पे अतनु तुलसी के पत्ते ले रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा तुलसी का पौधा है ना, ये मैंने जन्माष्टमी के लिए ही रख दिया था। पहले हम लोगों ने सोचा था ना कि ओरिजिनल फ्लावर से मंदिर को डेकोरेशन करेंगे, पर वो बहुत ज़्यादा हेवी हो रहा है और पूरा कवर भी नहीं हो रहा है। ये जो तोरण आप देख रहे हो ना, ये लास्ट ईयर गणेश पूजा के टाइम मैंने लिया था। ये एक्चुअली तोरण नहीं था, सिंगल पीस था, तो मैंने उसको जोड़ के ना तोरण जैसा बना दिया है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए अभी मैं आ गई हूँ पूरी और हलवा बनाने के लिए, जो हर साल मैं प्रसाद में देती हूँ। तो चलिए इसको बना लेते हैं पहले। और ये पूरा ना मैं घी से बनाती हूँ। और हम लोग क्या करते हैं ना, पूजा से पहले दिन हम लोग मतलब नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, किचन को अच्छी तरह से क्लीन करके रखते हैं, ताकि एक दिन पहले पूरा काम करके रखती हूँ तो पूजा के दिन इतनी हड़बड़ी नहीं होती है। और वैसे भी मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी पूजा करना था। और ये वाला जो कढ़ाई है ना, ये मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ और इसका साइज़ एकदम परफेक्ट है, तो लक्ष्मी पूजा में भी इसका यूज़ होता है। तो चलिए थोड़ा बहुत ही मैंने अभी बनाया है भोग के लिए, और पूरी भी मैंने जो भी भोग में देना है वो बनाऊंगी, बाकी हम लोगों के लिए अलग से पूरी बनाऊंगी। तो यहाँ पे ना बिना सॉल्ट का बनता है पूरी, और हम लोग जो खाते हैं वो सॉल्ट डाल के हम लोग बनाते हैं। तो लगभग मेरा कुकिंग जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा जो हलवा है उसको ठंडा करने के बाद मैं प्रसाद के लिए लूँगी। और छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, दिया रेडी करना, उसके बाद माला बनाना, फूल को अच्छी तरह से धो के रखना, ये सब काम कृति कर देती है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है और साथ ही साथ वो भी थोड़ा बहुत सीखती है। अभी उसको बहुत सारा काम करना आ गया है, क्योंकि बहुत सालों से वो कर रही है ना, बचपन से वो करती थी, तब तो उसको अच्छी तरह से आता भी नहीं था करना। तो चलिए अभी भोग की थाली रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा पूजा भी संपन्न हो गया है। और हर साल ना पूजा के बाद हम लोग वहाँ पे ना 5 मिनट ऐसे बैठ के देखते रहते हैं कि हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। सच में पूजा के बाद या हर टाइम हमारे कान्हा जी बहुत बहुत सुंदर लगते हैं अपनी राधा जी के साथ। सो अभी हम लोगों का पूजा संपन्न हुआ है, और हर साल मैं सुबह ही पूजा करती हूँ, बट इस बार ना बहुत जल्दी जल्दी पूजा कंप्लीट हो गया, मतलब 10 o'clock तक पूजा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अतनु का ऑफिस है, मंडे है तो अतनु का ऑफिस है, कृति की तो छुट्टी है। और ये वाली जो रेड एंड वाइट साड़ी है ना, ये मैंने अमेजोन ऑनलाइन से लिया है, कृति के लिए लिया था, उसकी स्कूल पे उसको चाहिए था। ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही लाइट एक साड़ी है। ब्लाउज भी मैंने ऑनलाइन लिया है, दोनों का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो। अच्छा, कृति ऐसा कुछ पहनती है ना तो सिम्बा को पता नहीं क्या हो जाता है। सिम्बो सिंबो दीदी की हो जाए किस हो जाए दीदी अतनु का ऑफिस स्टार्ट हो गया है। और इस बार ना हमारा पूजा बहुत जल्दी जल्दी हो गया है ना,
हाँ बहुत जल्दी जल्दी हो गया। सो हैप्पी जन्माष्टमी बोलो। हैप्पी जन्माष्टमी सबको। यहाँ पे ना कान्हा जी के कुछ पसंदीदा स्वीट मैंने रखा है, जैसे गौजा, ये कान्हा जी को बहुत पसंद है और साथ में हमारी कृति को भी बहुत पसंद है। सिम्बा को संदेश पसंद है। He loves संदेश। और कान्हा जी का सबसे पसंदीदा है मक्खन, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा माखन रखा है, जो छोटा वाला मिलता है ना वो, और साथ में जो लड्डू मैंने बनाया था वो पूरा दिन कान्हा जी के पास रहेगा, ताकि जब भी उनका मन करे वो खा सके उनकी भूख के लिए। और अभी मैं जाऊँगी हमारे लिए लंच बनाने के लिए, क्योंकि आज लंच पे पूरी बनेगी, तो इसलिए ना घर पे सभी बहुत खुश है, बहुत दिनों के बाद पूरी बनेगा। तो चलिए आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।